नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। खबरों की शुरुआत करते हैं बात उमरिया की, जहां के बिरसिंहपुर पाली के इंजीनियर की पुणे में हिट एंड रन से मौत के बाद आज उसका अंतिम संस्कार किया गया। अनीश अवधिया पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। शनिवार की रात को पुणे में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार अनीश और उनकी दोस्त अश्विनी को कुचल दिया, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अनीश के परिवार ने पुलिस पर आरोपियों के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। बस मुझे मेरा बेटा दे दे कोई डाकू। मेरा बच्चा चला गया, उसकी क्या गलती थी? उसकी कोई गलती नहीं थी मेरे बेटे की, जो चला गया। अरे मेरे बेटे को क्या गलती थी उसकी, जो उसने मेरे में से मेरे बेटे को मार दिया। मेरा बच्चा इतना अच्छा था। कब फोन आया था आपके पास? मेरे पास रात के 3 बजे से। क्या बोला? और मेरे को मेरे उसके दोस्त का फोन आया, बोला आंटी अंकल से बात कराइए, अरे इसका एक्सीडेंट हो गया, बहुत सीरियस है। हम लोग इतने दूर बैठे कैसे पहुंचे, बोला जल्दी आ जाइए। उसके बाद क्या बात हुआ? बस ये लोग जल्दी जल्दी निकल गए, उसके पहले हम लोगों को कुछ भी नहीं पता था। परिवार की मेंटली कंडीशन है आज उसके साथ घटित हुआ है। उसके साथ परिवार ने एक अपना जो भी उसको क्षतिपूर्ति हुई है उसकी, तो कुछ क्षतिपूर्ति को कुछ कर नहीं सकता कोई। जो भी उसको आज हार हुआ है, हमने अपने घर का बेटा खो दिया जो सबसे बड़ा बेटा था। लेकिन जो भी इकोनॉमिकल कंडीशन हमारी ख़राब है, तो मैं महाराष्ट्र सरकार से ये बोलना चाहूँगी कि आप हमें एक बेहतर सपोर्ट दीजिए, जिससे हमको एक जो हमारा जस्टिस है वो हमको मिल सके। 19 तारीख की रात की घटना है। वो अपने एक मित्र के साथ एक बाइक से जा रहा था, तो पीछे से पोर्से गाड़ी से एक अग्रवाल परिवार का लड़का, वेदांत अग्रवाल, विशाल अग्रवाल का लड़का, जैसे कि मीडिया से उनको नाम आया, वो पब में दारू पिया है, अपनी 12th पास करने की पार्टी मनाया है, और काफ़ी मात्रा में दारू पीने के बाद 150-200 की रफ्तार से वो पीछे से तेज़ी से लाया है और इसको हिट कर दिया है, और ये वहीं पर स्पॉट पर पकड़ा भी गया। काफी दारू पिया हुआ था। पुणे में हिट एंड रन के शिकार सॉफ्टवेयर इंजीनियर अश्विनी का जबलपुर में गौरीघाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। अश्विनी पुणे की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रही थी। कल्याणी नगर में बिल्डर के बेटे ने अपनी कार से बाइक को जोरदार टक्कर मार दी थी। अनीश और अश्विनी दोनों ही उसी बाइक पर सवार थे, जिसे स्पोर्ट्स कार ने टक्कर मारी और इस हादसे में दोनों की जान चली गई थी। जबलपुर से पवन पटेल हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। पवन, इस वीडियो को जिसने भी देखा, इन परिवारों की नुकसान की जो पूर्ति तो कभी नहीं की जा सकती है, लेकिन लगातार परिवारों को इंसाफ मिले, ये आवाज तो देश के हर हिस्से से उठ रही है। बिल्कुल, ये बात जो है, ये मांग जो है, जायज भी है, क्योंकि देश में इतना सख्त कानून होने के बावजूद नाबालिग बच्चों को इतनी हाई स्पीड और इतनी लग्जरी कार दे दी गई। ये पहली घटना नहीं है, पुणे में ये घटना आई है तो एक बार फिर इसकी चर्चा जरूर शुरू हो गई, लेकिन देश भर में आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और अगर बात की जाए तो हर घंटे 3 से 4 लोग सिर्फ सड़क दुर्घटनाओं में मौत के मुंह में समा जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देश का कानून होने के बावजूद इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए और नियमों का पालन होना चाहिए कि नाबालिग बच्चे किसी भी स्थिति में कार ना चला पाए। हमारे यहाँ तो 2-व्हीलर देने में भी जो है परिवार के लोग कोताही करते हैं। सरकार ने नियम बना के रखा है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को 2-व्हीलर भी ना दी जाए गियर वाली, तो ऐसे में कार दे देना कहीं ना कहीं लापरवाही है। दूसरी लापरवाही क्या अभी प्रशासन की ओर से या राज्य सरकार की ओर से कोई इन परिवार से मिलने आया हो या कोई बात हुई हो, क्या इस बारे में आपको कोई जानकारी मिल पाई है? अभी इस विषय में कोई भी जानकारी नहीं, हालांकि परिवार के लोगों से लगातार संपर्क कर रहे हैं। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से या वहां के पुलिस विभाग की तरफ से अभी तक किसी ने भी कोई संपर्क नहीं किया है। आज अश्विनी का अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार के सदस्यों का सिर्फ यही कहना है कि कानून बना है, लेकिन उस कानून का सख्ती से पालन होना चाहिए और महाराष्ट्र सरकार इस पर गौर करे। न सिर्फ महाराष्ट्र सरकार बल्कि देश भर की सरकारें, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार इस विषय को लेकर बेहद गंभीरता से काम करें, ताकि किसी भी परिवार का चिराग, किसी की बेटी, किसी का बेटा उनके उनसे दूर ना हो, खासतौर पर सड़क हादसों में। जी,
बहुत शुक्रिया आपका पवन इस पूरी जानकारी के लिए। बिलासपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। धारदार हथियार से वार करके मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। सिविल थाना क्षेत्र के मंगला यादव कॉलोनी की एक घटना है, जहां एक शख्स पर आरोप है कि उसने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी है। धारदार हथियार का इस्तेमाल कर प्रेमिका की जान ले ली। पुलिस ने इस आरोपी को पकड़ लिया है। क्या मामला था, किस बात को लेकर विवाद हुआ था, क्यों हत्या की, अब पुलिस इन कारणों के खुलासे का दावा कर रही है। उमेश मौर्य हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उमेश, कौन थे दोनों और क्यों हत्या की, क्या अब तक साफ हो पाया है? देखिए, ये पूरी घटना जो है सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मंगला यादव मोहल्ले की है। 23 वर्षीय निधि की हत्या हुई है। 26 वर्षीय शत्रुघ्न ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है दोनों पिछले 5 वर्षों से लिविंग रिलेशन में यहाँ पर रह रहे थे, प्रेमी प्रेमिका थे और लगातार पिछले 5 सालों से रह रहे थे। क्योंकि इनका जो काम था, ये बताया जा रहा है कि ये शराब भट्टी के सामने चखने का दुकान लगाया करते थे, जिसको लेकर हमेशा इनके बीच में विवाद होता था। पैसे को लेन देन को लेकर विवाद होता था। कल रात भी इसी तरह की बीच में इन दोनों के बीच में झगड़ा हुई और जिसके बाद जो है एक हत्या की घटना निकल कर सामने आई है, जिसमें प्रेमी ने धारदार यहाँ पर जो हथियार है उससे उसे वार करके मौत के घाट उतार दिया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और जांच कर रही है कि और क्या कुछ कारण निकल कर सामने आता है इस हत्या का, ये जांच का विषय है। लेकिन आरोपी हिरासत में ले लिया गया, पूछताछ जारी है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए पवन। उमेश, बात बैतूल की, जहां फूड पॉइजनिंग से एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की उम्र 6 साल थी। परिवार के 7 और लोग बीमार हुए हैं, सभी को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। श्रद्धांजलि समारोह था, जहां पर खाना खाने के बाद ये बच्चे बीमार हो गए। 12 से ज्यादा लोग उल्टी और दस्त से पीड़ित बताए जा रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा में खाना खाया था इन लोगों ने, और इसी कार्यक्रम में खाना खाने से फूड पॉइजनिंग हो गई लोगों को। फूड पॉइजनिंग के चलते एक बच्चे की मौत भी हो गई। बच्चे के जो उम्र है, उम्र थी वो 6 साल थी। मुरैना में रेत माफियाओं के खिलाफ गांव वालों ने मोर्चा खोल दिया है। रैली निकालकर सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। हाल ही में माफिया ने ट्रैक्टर ट्रॉली से पिता पुत्र को कुचल दिया था। बुरहानपुर में पुलिस ने 6 साल की मासूम बच्चे से रेप और हत्या के आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। आरोपी ने 3 दिन पहले मासूम बच्चे को किडनैप किया था, उसके साथ रेप करने के बाद गला घोटकर उसकी हत्या कर दी थी और शव को खंडहर के पास फेंक दिया था। पुलिस ने पूछताछ के आधार पर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। बता दें कि घर के आंगन में खेल रही मासूम बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर आरोपी उसे अपने घर ले गया, वारदात को अंजाम दिया। एसपी देवेंद्र पाटीदार ने कहा कि दोषी को फांसी दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। संदिग्ध से पूछताछ की, उस पूछताछ के आधार पर गौरव उर्फ खुशाल पिता रूपचंद कल नारायण उम्र 21 वर्ष निवासी प्रतापपुरा, क्योंकि उस मिलने वाले स्थान और उस बच्ची के घर के बीच में ही एक जगह उसका मकान है, उससे पुलिस के द्वारा पूछताछ की। बारीकी से पूछताछ करने पे उस दिनांक के उसके घटनाक्रम को समझा, उसकी चीज़ों को बताया, सारी चीज़ों पे उसने अपना जुर्म कबूल किया है। अब खबर नर्मदापुरम से, जहां खर्रा घाट पर 2 नाबालिग डूब गए। यह हादसा हुआ है, गहरे पानी में डूबने से दोनों की मौत हो गई। विदिशा के रहने वाले थे दोनों नाबालिग। नर्मदा नदी में 3 दिन में ये 4 मौतें अब तक हो चुकी हैं। भोपाल के शाहपुरा इलाके के हनुमान मंदिर में दिन दहाड़े हुई चोरी के मामले में खुलासा हुआ है। मंदिर में लगे सीसीटीवी ने सारे राज खोल दिए। बताया जा रहा है कि एक महिला ने 2 बच्चों के सहारे चोरी की वारदात को अंजाम दिया। महिला हनुमान मंदिर की दान पेटी लेकर फरार हो गई। दान पेटी से पैसे निकालने के बाद उसने कबाड़ी को बेच दिया। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए महिला और कबाड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही चोरी की गई रकम और दान पेटी भी ढूंढ निकाली है।
मंदसौर की रहने वाली एक शादीशुदा दलित लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है। परिवार ने राजस्थान के शकील नाम के लड़के पर लड़की की किडनैपिंग का आरोप लगाया है। लड़की पिछले 4 मई को बालागुड़ा गांव से लापता हो गई थी। बलाई समाज के लोगों ने एसपी से मदद की गुहार लगाई। समाज के लोगों के मुताबिक हाल ही में हुए सामूहिक विवाह में लड़की की शादी हुई थी। 4 मई को वो बालागुड़ा गांव में शादी समारोह में आई थी, जहां से राजस्थान के मोखमपुरा गाँव का शकील उसे अपने साथ ले गया डरा धमका कर। एसपी ने जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया। आगर मालवा में सुसनेर जीरापुर मार्ग पर गांव वालों ने चक्का जाम कर दिया, जिसकी वजह से हाईवे पर दोनों ही तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मामले की सूचना मिलते ही सुसनेर थाना प्रभारी तुरंत मौके पर पहुंचे और गांव वालों की समस्या का जल्द समाधान होने का आश्वासन दिया। गांव वालों का आरोप है कि नेशनल हाईवे का निर्माण होने की वजह से उन्हें गांव में जाने में परेशानी हो रही है। सड़क की ऊंचाई बढ़ने से गांव तक पहुंचने का रास्ता बंद हो चुका है। सिवनी में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में रखे वेस्टेज में आग लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी साफ नहीं हो पाया है। सरकारी प्लांट था जहां पर आग लगी, लेकिन इस आग बुझाने की घटना में आग बुझाने के इंतजामों की पोल खुल गई। फैक्ट्री में जो अग्निशमन यंत्र रखे गए थे आग लगने की घटनाओं से बचाव के दौरान, वो यंत्र खराब पाए गए। वही मुरैना में घर में भीषण आग लग गई। आग में जलकर 8 साल की बच्ची की मौत हो गई। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कैलारस के रुठोनिया गांव की एक घटना है, जहां 3 मासूम बहनें घर के अंदर थी। 2 बहनों को बचा लिया गया, लेकिन जो तीसरी बहन थी उसे नहीं बचाया जा सका। उसके हादसे में मौत हो गई। वही मुरैना में ही दो पक्षों में जमीन को लेकर हुए झगड़े में लाठी डंडे चलाए गए। खेत में ट्रैक्टर चलाने के दौरान ड्राइवर के साथ मारपीट की गई। मारपीट का वीडियो सामने आया है। आधा दर्जन से ज्यादा लोग मारपीट करते नजर आए। पहले भी दोनों ही गुटों के बीच मारपीट हो चुकी है। शाजापुर में सरकारी ट्यूबवेल से पानी भरने को लेकर बवाल हो गया। दो पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट, लाठी डंडे और पथराव में 4 लोग घायल हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पटेलवाड़ी इलाके की घटना है। तो पानी को लेकर यहां बवाल हुआ शाजापुर में, पटेलवाड़ी इलाका। घटना का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। 4 लोग पथराव में घायल हुए हैं। भोपाल में बस कंडक्टर के साथ मारपीट की गई। लो फ्लोर बस और नीली बस के कर्मचारियों के बीच मारपीट हुई। लो फ्लोर बस के कंडक्टर को पीटा गया है। पीड़ित ने पुलिस में मारपीट होने की शिकायत दी है। लो फ्लोर बस के कर्मचारी और नीली बस के कर्मचारी, इनके बीच आपस में मारपीट हुई है। लो फ्लोर कर्मचारी की पिटाई की गई है। खबर टीकमगढ़ से, जहां कुएं का दूषित पानी पीने से एक बच्चे की मौत हो गई। 24 से ज्यादा लोग बीमार बताए जा रहे हैं। 2 बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर मरीजों को जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम नगारा गांव पहुंची। सभी जो हैं डायरिया के शिकार बताए जा रहे हैं।